खंडवा के संत सिंगाजी थर्मल पावर में काम करने वाले इंजीनियर आज से आमरण अनशन पर बैठ गए। दो दिन बाद यह लोग काम बंद हड़ताल पर चले जाएंगे। यह सभी इंजीनियर अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर एक माह से आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि मध्य प्रदेश बिजली जनरेटिंग कंपनी इनके साथ भेदभाव कर रही है। कनिष्क अभियंताओं को बढ़ा हुआ वेतनमान और पदोन्नति भी नहीं दी जा रही है, न ही त्रैमासिक ओवरटाइम की सीमा बढ़ाई जा रही है। इन्होंने शासन को अगवा किया है कि दो दिन बाद काम बंद हड़ताल पर जाने से पावर उत्पादन में जो भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन और बिजली उत्पादन कंपनी को ही करनी होगी। महत्वपूर्ण मांगे हमारी ये है कि क्योंकि प्रमोशन में बैन लगा हुआ है, इसी प्रकार जबलपुर मुख्यालय से करंट चार्ज का जो मुद्दा है हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को, बोर्ड के अधिकारियों को दिया जाता है और हमारे विद्युत कंपनी के कार्मिकों को नहीं दिया जाता। उसी प्रकार 125 घंटे ओटी का मुद्दा है। उसी प्रकार कनिष्ठ अभियंता जो कि उच्च पद पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं उन्हें उच्च पद पर नियुक्त नहीं किया जा रहा है। काफी लंबी मांगे हैं, काफी लंबित हो चुकी हैं कई सालों से। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के चारों थर्मल पावर हाउस में काम करने वाले इंजीनियर और तकनीकी सहायक पिछले लगभग एक महीने से हड़ताल कर रहे हैं। 24 इंजीनियर आज से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और दो दिन बाद यह सभी लोग काम बंद हड़ताल करेंगे। प्रदेश के चार बड़े विद्युत उत्पादन केंद्र हैं, सभी जगह यह हड़ताल चल रही है। अपने संगठन के बैनर तले यह लोग 15 सूत्रीय मांगों के समर्थन में हड़ताल कर रहे हैं। इनका कहना है कि बिजली उत्पादन कंपनी वरिष्ठ इंजीनियरों और युवा इंजीनियर के बीच भेदभाव कर रही है, जबकि काम दोनों के समान है। इन लोगों ने सातवें वेतनमान की विसंगतियां दूर करने और त्रैमासिक ओवरटाइम की समय सीमा बढ़ाने जैसी अनेक मांगों के समर्थन में यह आंदोलन शुरू किया। हो चुके हैं, हम अपने अन्य माध्यमों से भी उन तक अपनी मांगे पहुंचवा चुके हैं। सारी मांगों से वो अवगत हैं। नीति निर्माण करते समय वो स्वयं इस चीज से संज्ञान ले चुके थे कि नीति निर्माण में बहुत सारी त्रुटियां हैं, उसके बावजूद भी उनके द्वारा उचित समय पे कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसका परिणाम स्वरूप आज हमें यहाँ पे लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं कि हम लोग अब इन्होंने शासन को चेताया है कि वह नहीं चाहते कि इसकी हड़ताल से प्रदेश में ब्लैकआउट की स्थिति बने, लेकिन यदि हमारी मांगों पर गंभीरता से गौर नहीं किया गया तो विद्युत उत्पादन जरूर प्रभावित होगा।